दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि यूपी टेट का रिजल्ट आपका घोषित हो चुका है और उम्मीद करते हैं कि आप रिजल्ट भी अपना देख लिए होंगे। समस्या कुछ लोगों के सामने आ रही है साइट क्रैश वाली, लगातार वेबसाइट इतनी बिजी चल रही है, इस कारण से आप अपना रिजल्ट अभी तक नहीं देख पाए होंगे। ठीक है, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ लोग रिजल्ट अपना देख लिए होंगे बट अगर कुछ लोग नहीं देख पाए हैं तो उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि यूपी टीईटी की वेबसाइट सामान्य रूप से चलने लगी है, अब आप अपना रिजल्ट बेहतरीन तरीके से देख सकते हैं। फिर भी मैं एक बार आपसे कहना चाहूंगा कि लगातार एरर बता रहा है, ठीक है, लगातार वेबसाइट एरर बता रही है। मैं आपसे कहना चाहता हूं आप भी लगातार उस वेबसाइट पर विजिट करते रहें, जैसे ही किसी चीज कोई चीज खुलती है वहां से आप अपने जो है रिजल्ट को देख सकते हैं। लिखा गया है इस तरह से रिजल्ट चेक करें तुरंत खुलेगा। बिल्कुल अगर देखा जाए तो आप updlitgovernment.in की वेबसाइट या सरकारी रिजल्ट की वेबसाइट पर जाइए, वहां से आप अपना रिजल्ट को देख सकते हैं। मैंने अभी चेक किया रिजल्ट, किसी भाई ने मेरे पास अपना रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर सब कुछ भेजा था, पासवर्ड वगैरह, तो मैंने उनका रिजल्ट चेक किया जो कि आपके सामने लगा हुआ है। देखिए आपके सामने नजर आ रहा है, ठीक है, सबसे ऊपर लिखा जा रहा है परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज, उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा परिणाम 2021। इधर आप देख पा रहे हैं इस चीज को मैंने ब्लर किया हुआ है, आप नहीं देख पा रहे हैं। लिखा गया है देखिए 86 नंबर ये पाकर पास हुए हैं, ठीक है, एससी कैटेगरी के ये छात्र हैं। और देखिए रिजल्ट डिक्लेयर्ड डेट लिखा गया है 8 अप्रैल 2022, ठीक है। तो इसी तरह से मैंने काफ़ी परेशान हुआ इस रिजल्ट को देखने के लिए, तो लास्ट में जाकर यह रिजल्ट मुझे मिला है, ठीक है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ लगातार आप भी वेबसाइट पर विजिट करते रहें, ऐसा नहीं है कि भैया आप एक बार में देख लेंगे, चूँकि लगभग उम्मीद यही की जा रही है कि लगभग 18 लाख जो है प्रशिक्षु यूपी टीईटी की वेबसाइट लगातार विजिट कर रहे हैं। जिनका रिजल्ट आ गया उनके लिए तो ठीक है, अन्यथा की स्थिति में आप भी अपने रिजल्ट को देखने के लिए लगातार आप वेबसाइट पर देखते रहें, ठीक है। उसमें क्या आपको डालना है, आपका अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, वन टाइम पासवर्ड डालना है और कैप्चा डालना है। इन सभी के डालने के बाद, ठीक है, जब ये सब आप डालते हैं तो आगे की प्रक्रिया क्या होती है, आपका रिजल्ट जो है डायरेक्ट सोने करता, उसमें जो है प्राइमरी लेवल और जूनियर लेवल, और जब रिजल्ट शो करने के लिए वहां आता है तो आपका रिजल्ट शो पर आपको क्लिक करना है, तत्काल आपका रिजल्ट खुल के आपके सामने आ जाएगा। आशा करते हैं दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते हैं, थैंक्स, धन्यवाद, शुभरात्रि।